से भाई यहाँ पे जैसा कि देखा आपने बहुत ही तेज बारिश आ गई है और सामान निकाले हैं, सामान निकालने लग गए हैं अभी हम। और ये देखो इसको डाल दिए, रेन कवर डाल दिए, तो कुछ भी डालते हैं। तो भाई ये देखो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज है अभी। और Hey guys, come on travelers पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। Hey दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो दोस्तों आज डेट है 14 अगस्त 2023 और इस समय हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। भाई इस समय हम जा रहे हैं मचेल माता। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमारे साथ हमारे छोटे बिरादर गोकुल जी। तो लेट हो गए हैं, ब्लॉग थोड़ा सा देखेंगे, जितना बनेगा बनाएंगे, हमें जल्दी पहुँचना आगे। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों कुछ इस तरह की लोकेशन पे अपन पहुँच चुके हैं इस समय और यहाँ पे हम बैंडोल प्लाजा पहुँचने वाले हैं। बाकी मौसम ठंडा है जम्मू में, मौसम बाकी बहुत ज़्यादा ठंडा है जम्मू में। तो चलिए जो जो मेन रहता है आपको दिखाते हैं। और दोस्तों 5:45 पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं क्योंकि ये दुमेल है कटरा वाला रोड। तो यहाँ से हम उधमपुर को निकलेंगे। ये रोड गया कटरा को। और दोस्तों इस समय 6:35 हो चुके हैं, हम इस तरह की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से चनैनी थोड़ी सी ही दूर है, तो जैसे हम चनैनी पहुंचेंगे तो उसके बाद हम सीधा पटौद पहुंच जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है जल्दी से जल्दी हम पुल डोडा पहुँचें, क्योंकि मेन जो डिफिकल्ट रास्ता है ना वो पटौद से पुल डोडा का है। बाकी आगे तो ईजी ही है, बट चलो चलते हैं आगे, देखते हैं फिर। दोस्तों अभी 6:50 हो गए, हम फाइनली पहुंच चुके हैं नाश्री टनल। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम नाश्री टनल पहुंच चुके हैं। कुछ इस तरह के नज़ारे हैं और यहाँ पे ना बारिश थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई है। तो चलो पहले टनल क्रॉस करते हैं।
तो जब हम बात कर रहे थे ना कैमरा पे, तो ना यार ये ट्रक आगे आ गया है और अभी ये ट्रक ही आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा, ये तो आधा घंटा हमारा यहीं पे वेस्ट कर देगा। और दोस्तों 7:20 हो गए हैं, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे बडोद में, और यहाँ पे तिरंगा रैली निकल रही है। तो नहीं यार, साइड में खड़े होना चाहिए ना, बीच रोड में खड़े हो सकते हैं, कुछ इस तरह से जाम लग गया है यहाँ पे। चलो तो अभी हम हैं इस समय कहाँ पे हैं, बडोद में, और यहाँ से किश्तवाड़ 110 किलोमीटर भाई, 110 किलोमीटर जाना है अभी। दोस्तों अभी हमने किश्तवाड़ क्रॉस ही डोपुर बटोत क्रॉस ही किया था, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई है, और बाकी सामान निकाले, इसका सामान निकालने लग गए हैं अभी हम, और ये देखो इसको डाल दिया, रेन कवर डाल दिया है, तो खुद भी डालते हैं। तो भाई ये देखो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी अभी, और अभी कम हो गई है बारिश, तो भाई अभी देखना पड़ेगा क्या, और टेंट भी नहीं लाया किश्तवाड़, तो अभी 110 किलोमीटर है अभी, तो बाकी रिंग को डालते हैं फिर देखते हैं कुछ ना कुछ। तो गाइस यहाँ पे देखो कि कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा अंधेरा है, और ये देखो रेडी हो गए हैं, अब देखो कहाँ तक चल पाते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, अभी रिस्क भी बहुत है क्योंकि अंधेरा हो चुके, जंगल है पूरा यहाँ तक, पुल डोडा तक तो काफ़ी दूर है और जंगल एरिया है, तो चलो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, तो चलो लटको। और दोस्तों इस समय 8:00 हम जो कि बटोत के आगे जब पानी का झरना नहीं मतलब पीने का पानी जहाँ पे होता है वहाँ पहुँचे भाई। यहाँ पे जैसा कि देखा आपने बहुत ही तेज़ बारिश आ गई है, और जो लोग आगे से वापस आ रहे हैं उस साइड से आ रहे हैं पुल टोडा वाली साइड से, तो वो बता रहे हैं कि बारिश बहुत ही ज़्यादा है आगे, पर अभी हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि वापस जम्मू को जाएँ या आगे को जाएँ, माता रानी का क्या बुलावा है, और अभी कुछ पता नहीं, जो भी रहेगा आपको बताते रहेंगे। बाकी गोकुल जी बोल रहे हैं आगे चलते हैं, गोकुल क्या करना है देखते हैं अभी। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि पानी का बोली टाइप सा है कुछ यहाँ पे, और बाकी आप ये देखो बटोत क्रॉस करके कुछ इस तरह की लोकेशन पे है अभी हम। और दोस्तों अभी की अपडेट ये है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा आ रही है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और बाकी की जो अपडेट रहेगी ब्लॉग की वो मैं आपको कल मॉर्निंग में दूंगा, अभी कुछ पता नहीं जाएंगे आगे या क्या है, और कल वैसे भी 15 अगस्त है, तो जो भी अपडेट रहेगी कल आपको मिलेगी, तो जय श्री महाकाल। हे गाइस वेलकम बैक, और आपको मैं कि एक चीज़ बताऊं कि मैं मचेल नहीं गया, कल मैं बटोत से वापस आ गया यार, बहुत ज़्यादा बारिश थी, और इस समय मैं ठीक माँ भवे वाली जी के दरबार में पहुंच चुका हूँ, पीछे आप देख पा रहे होंगे जो कि मंदिर है माता रानी का, तो आज आपको यहीं के दर्शन करवाऊँगा, और बाकी माता रानी का बुलावा नहीं था, बटोत से वापस आया, और रात को मैं 11:30 जम्मू पहुँच गया था, 9:30 जम्मू, 9:00 निकला था मैं वहाँ से बटोत से, बटोत की आगे जैसे कि आपने देखा, तो बाकी आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं, तो चलिए जय माता दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए होंगे, और इसके बाद अब हम आपको दर्शन करवाते हैं बजरंग बली जी के, तो आइए आपको बजरंग बली के दर्शन करवा रहे हैं, जय बजरंग बली। तो कुछ इस तरह से अभी लाइट बंद हो गई है मंदिर के अंदर, तो बाकी अभी थोड़ी देर में माता रानी की आरती होगी, तो आपको वो भी दिखाएंगे ब्लॉग में। तो यहाँ पे शेरावाली माता की स्वरूप माता रानी का, तो और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है इस समय, और क्योंकि आज 15 अगस्त है उसके कारण यहाँ पे आज बहुत ही रश है यहाँ पे, बाकी
मंदिर इस समय बंद हो रहा है। बाकी यहाँ पे बगलामुखी माता का मंदिर है और यहाँ पे भी एक मंदिर है और यहाँ पे हमारे आशु भैया जी, आशु गुप्ता जी, और यहाँ बगलामुखी माता का मंदिर है। जय माता दी। और अभी की अपडेट ये है कि अभी थोड़ी ही देर में अभी माता रानी की आरती होगी, तो उसके इसीलिए यहाँ पे अभी सफाई चल रही है। तो इसके बाद माता रानी का जो भव्य आरती होगी और बाकी भक्तजनों को इस समय भक्तजन अभी अपने घर को प्रस्थान हो रहे हैं यहाँ से। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा। मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।